अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ओप्पो का A16, इसका एंड्रॉयड वर्जन है 12। इसको हमने डाउनग्रेड करना है 11 पे, और इसकी सिक्योरिटी जो है वो जून 5, 2023 की है, जिसको हम लाएंगे 2022 पे या 2021 में। डाउनग्रेड करते हैं इसको एंड्रॉयड 11 पे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जो है UMD जो है उसको ओपन कर लेना, लेटेस्ट वाला मॉड्यूल इसका MT2, और आपने प्रीलोडर की पोर्ट जो है वो V1 जो है सिलेक्ट करनी है, और ये फाइल जो है ये आपने इसमें स्केटर फाइल जो है वो लोड कर लेनी है। स्केटर फाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको डायरेक्ट फ्लैश करते हैं। जब हम इसको राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमने मोबाइल को पावर ऑफ करके दोनों वॉल्यूम पकड़ के इससे कनेक्ट करना है हमने जी। तो देख सकते हैं मोबाइल कनेक्ट हो गया और फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है। फ्लैशिंग होने में तकरीबन ये 5 मिनट लेगा, लेकिन मैंने जो है वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपका टाइम बच सके। ये तो मोबाइल जो है फ्लैश हो गया है, उसके बाद ये ऑन ऑन में जो है डाउनग्रेड करने के बाद, अक्सर जो ओप्पो A16 है ये ऑन होने में भी तकरीबन आधा घंटा लगा देते हैं। अगर ये ओप्पो पे रुक जाए, स्टक हो जाए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये डाउनग्रेड होने के बाद मसला करता है, और कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जो है ये लेता है ऑन ऑन में। उसके बाद जो है आपने इसको सेटअप कर लेना है। चलें जी, मैं आपको सेटअप करके इसकी जो है सिक्योरिटी चेक करवाता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन भी चेक करते हैं और सिक्योरिटी भी चेक करते हैं इसकी। हाँ जी, तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक करते हैं। ये एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 11 5 5th अगस्त 2021, अब ये जो फ़ोन है डाउनग्रेड हो चुका है।